हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ #SEO। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको 5 हाई डी ए डू फॉलो कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाया था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज के वीडियो में मैं आपको 5 हाई डी ए इमेज शेयरिंग साइट्स में बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। आई होप आपने अब तक के सारे बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए होंगे और आपकी सर्च रैंकिंग भी काफ़ी इंप्रूव हुई होगी। अगर आप #SEO पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप अपने वेबसाइट की क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर पाएंगे और अपने वेबसाइट की सर्च रैंकिंग इंप्रूव कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड का हम लोगों का पहला वेबसाइट है शटरफ्लाई। यहाँ साइनअप करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो ऊपर शेयर साइट्स पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको क्रिएट अ साइट का बटन दिखाई देगा, जिसको क्लिक करना है। उसके बाद बैकअप फ्री साइट को क्लिक करके अपने साइट का नाम और URL देना है। एनीवन विद द वेबसाइट URL को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है और अपने साइट का डिज़ाइन सेलेक्ट करके क्रिएट साइट पर क्लिक करना है। आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, जिसको एडिट करके आप अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको फेवरेट साइट्स दिखेगा, जिसमें ऐड बुकमार्क का ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करके आपको अदर वेबसाइट्स में जाना है और अपना URL ऐड करना है। डन पर क्लिक करते ही आपका पहला बैकलिंक रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एडिट मैसेज पर क्लिक करना है। आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, जहां आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और शो टेक्स्ट टूल्स को क्लिक करके अपना कंटेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका दूसरा बैकलिंक भी रेडी हो जाएगा। हम लोगों का दूसरा वेबसाइट है फ्लिकर। यहाँ साइनअप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो सेटिंग्स में जाना है। वहाँ आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में चेंज पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपना प्रोफाइल एडिट कर पाएंगे। डिस्क्राइब योरसेल्फ के टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और पहला कंटेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे वेबसाइट एड्रेस में आप अपना URL डाल सकते हैं और दूसरा बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर यू टैब में अबाउट पर क्लिक करके आप अपना बैकलिंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैमरा रोल पर क्लिक करना है और कोई भी एक इमेज फाइल अपलोड करना है। इमेज को एडिट करके उसको पब्लिक करना है, जिसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपना तीसरा बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको नीचे ऐड टू एल्बम पर क्लिक करना है और एक नया एल्बम क्रिएट करना है। एल्बम के डिस्क्रिप्शन में आप अपना चौथा कंटेक्सचुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप्स में जाना है और क्रिएट न्यू ग्रुप पर क्लिक करके पब्लिक ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप का नाम देकर डिस्क्रिप्शन में फिफ्थ बैकलिंक प्लेस करना है। उसके बाद आपको डिस्कशन टैब में जाना है और स्टार्ट अ डिस्कशन पर क्लिक करना है। वहां आपको अपने पोस्ट का टाइटल देना है और योर पोस्ट के टेक्स्ट बॉक्स में अपना सिक्स्थ बैकलिंक प्लेस करना है। हम लोगों का तीसरा वेबसाइट है विजुअली।
यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो एडिट प्रोफाइल में जाना है। वहाँ अबाउट मी के टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना पहला बैकलिंक क्रिएट कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको वेबसाइट दिखेगा जहाँ आप अपना यूआरएल प्लेस करके दूसरा बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सेव प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आप दोनों बैकलिंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर अपलोड विजुअल पर क्लिक करना है, अदर सेलेक्ट करके कोई भी एक इमेज अपलोड करना है और नीचे स्क्रॉल करके ऐड सोर्स यूआरएल और पब्लिशर्स सेक्शन के यूआरएल में अपना बैकलिंक प्लेस करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका तीसरा और चौथा बैकलिंक भी लाइव हो जाएगा। हम लोगों का फोर्थ वेबसाइट है वेक्टीजी। यहाँ साइनअप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो सेटिंग्स में जाना है। यहाँ वेबसाइट सेक्शन में अपना यूआरएल डालकर आप अपना पहला बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे अबाउट मी के टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और दूसरा बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपना दोनों बैकलिंक चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों का फिफ्थ वेबसाइट है एलो। यहाँ जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो एक सेक्शन में आपको अपना नाम बायो और लिंक्स फिलअप करना होगा। बायो और लिंक्स में आप अपना बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल पेज में जाकर दोनों बैकलिंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पेज के ऊपर पोस्ट बटन पर क्लिक करना है। आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जहाँ आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और तीसरा बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने क्वेरीज, डाउट्स और डिमांड्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पांच नए बैकलिंक्स के साथ।